हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो आज शुरू करते हैं हम लोग व्लॉग अपना ब्रेकफास्ट से। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए भी साथ। तो तैमूर जनाब यहाँ पर जो है वो खेल रहे हैं, बहुत बिजी बंदा है अभी। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों में से और कितने लोग जो हैं वो अंडे पर रेड चिली डालकर खाते हैं। तो भाई, ब्रेकफास्ट होने के बाद हम लोग निकल गए आउटिंग पे और आई थिंक हम लोग ने सेलिब्रेट करनी थी अपनी एनिवर्सरी। नहीं, ये वो डे नहीं है, ये है कोई और डे। तो हम लोग यहाँ पर गए थे शिनवारी रेस्टोरेंट। तो एम्बियंस इनका कोई खासा अच्छा नहीं है, लेकिन टेस्ट जो है वो खाने में बहुत मज़ेदार है। तो पहले उन लोगों ने हमें जो है वो रोस्ट दिया और उसके बाद हमने चपली कबाब ऑर्डर किए क्योंकि खाने में बहुत टाइम था और यहाँ पर हम लोग का खाना आ गया है। ये है हमारी कढ़ाई और ये पठानों वाले नान। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है। हालांकि इसमें इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, बट इट वाज टू यमी। मैंने उनको बोला था दूसरी हरी मिर्चें जो उन्होंने बनाई होती हैं कोयलों पे वो लाने के लिए, लेकिन जो है जनाब ये वाली मिर्ची ले आए। तो फिर हम लोगों ने इनको नहीं खाया क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्रेवी में भी होती हैं। तो यहाँ पर बन रही है गोभी और मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आती थी आलू गोभी, तो मैंने यूट्यूब से रेसिपी निकाली आलू गोभी की। और यहाँ पर मैं अभी गूंदने वाली हूँ आटा। तो जल्दी से बनाते हैं रोटियाँ। तो जनाब, ये है वो दिन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। ये हम लोग जा रहे हैं फोर्ट्रेस क्योंकि इससे एक दो दिन पहले हम लोगों की गुजरी थी एनिवर्सरी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आउटिंग कर लें। खैर, हमने तो नहीं सोचा, इसके पीछे भी बड़ी लंबी स्टोरी है जो शायद मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर हम लोग आए तो तैमूर जनाब जो है अपनी होश में, आई थिंक सो, इसने फर्स्ट टाइम ये देखा है क्योंकि इससे पहले जब ये आया था तो ये बहुत छोटा था। और जब हम लोग जॉयलैंड के बाहर से गुजर रहे थे और यहाँ पर लोग हुडिंग कर रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इतनी हैरत से देख रहा था ये। अच्छा, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर तो एक रेस्टोरेंट था बहुत बड़ा सा, उसका नाम अब मेरे जो है ना माइंड से स्किप हो गया है, बट वो बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट था और मैंने सोचा था कि मैं इसे ट्राई करूँगी, बट उस टाइम हम लोग जो है वो ट्राई नहीं कर पाए। और जब अब हम आए तो जनाब वो रेस्टोरेंट ही वहाँ से उड़ चुका था, वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, वहाँ पर था ही नहीं। और बस क्या करें, फिर हम लोगों को फिर मजबूरन KFC खाना पड़ा। आप लोग मुझे ये बताइए कि जब आप लोग स्क्वायर जाते हैं तो फिर आप कौन से रेस्टोरेंट से खाना खाना पसंद करते हैं, ताकि मैं इसको एक ट्राई दूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसका रिव्यू। लेट्स गो टू द सिंधबाद। तो अब हम तैमूर को लेकर सिंधबाद आए हैं क्योंकि हमारा इंजॉय यही था कि भाई तैमूर जो इंजॉय करेगा वही हम लोगों का इंजॉय था। तो हम लोग आए सिंधबाद इस उम्मीद के साथ कि तैमूर जनाब जो है वो खुश होंगे, लेकिन पहले तो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके बाद डरता रहा। और फिर हम लोगों को ही इसको राइड्स लेके देनी पड़ी साथ बैठ बैठ कर। तो यहाँ पर जुनैर इसको जो है वो कार में लेके बैठे हैं। हमने सोचा था कि थोड़ी देर बाद शायद इसका डर उतर जाएगा तो ये इजी हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा और बैठ जाएगा ये, लेकिन ये मेरे या जुनैर के अलावा किसी के पास, मतलब अकेले खुद से नहीं बैठ रहा था ये। तो हम लोगों ने अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट किया। मे बी अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको लेकर आएँ तो शायद ये थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाए और ईजी फील करे क्योंकि इसने पहले ये देखा हो, बट होप सो। तकरीबन
बज चुके थे, आई थिंक सो 5 बज चुके थे, क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम ही निकले थे। मुझे था कि शाम को जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो हम लोगों ने भी खाया KFC एंड माई फेवरेट ऑल टाइम कोलसला, वाओ। और हम लोग खाने के बाद जो है वो स्क्वायर मॉल चले गए, वहाँ पर तैमूर को हम लोगों ने बिठाया कार में, और तैमूर ने उतरना ही नहीं था कार से, तो मैं जुनैर को कह रही थी कि हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं और तैमूर को कार ले देते हैं, और वो बेचारे दोनों में फंस चुके थे। और फिर हम दोनों ने यहाँ पर जो है वो रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे, हम दोनों हाँ दोनों ही बैठे थे, तो जुनैर को मज़ा नहीं आया, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जो है रिलैक्सेशन मिल गई थी। और उतनी देर तक मूड जो है वो राइड ले रहा था बाइक की। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये व्लॉग जो है ना वो जोड़ के बनाया है, और आज का व्लॉग होता है यहीं पर। उम्मीद है नेक्स्ट व्लॉग जो है वो अच्छा होगा और आपको पसंद आएगा।